में कैथोलिक सभा के सभापति श्री रोशन तिग्गा को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपके लिए हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबे वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। सबो को जय सु खुश पड़ा। तो आज हम अपने बढ़मे पल्ली के तीसरा पल्ली दिवस मना रहे हैं और इसमें हमारे बीच उपस्थित हैं फेथ फॉर्मेशन हाउस के डायरेक्टर सरदे फादर फिलिप मिंच। फादर, आपका हम बढ़मे पल्ली की ओर से स्वागत करते हैं, जोर से ताली बजा देंगे। तो हम अपने फादर, मेहमान फादर, फादर फिलिप मिंच को सम्मानित करना चाहते हैं। तो युवा संघ से अनुरोध है कि वे सम्मान स्वरूप जो रखे हुए हैं गिफ्ट, वो लेते आएंगे। जोरदार तालियों से फादर का स्वागत किया जाए। तो जोरदार तालियों के साथ फादर का अभिनंदन करेंगे हम लोग। हमारे बीच मेहमान फादर जोन्हा पल्ली के पल्ली पुरोहित और बढ़म्बे पल्ली के प्रथम पल्ली पुरोहित सरदे फादर प्रेमचंद तिर्की का हम इस बढ़म्बे पल्ली में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच में प्रेमचंद तिर्की फादर आए हुए हैं। सब परिचय हैं कि नहीं? परिचय है, कौन परिचय नहीं? वो हाथ नीचे रखेंगे, जो परिचय वो हाथ उठाएंगे। सब परिचय है फादर आपसे। तो फादर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि इन्हीं का देन है कि इन्होंने इस बढ़म्बे पल्ली को पल्ली बनाने में अपना बहुमूल्य समय और अगुवाई की है, तब जाके ये बढ़म्बे पल्ली बना है। तो उनके लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में हुलुंडू फेदोलिक स्कूल के डायरेक्टर सरदे फादर नरेश कुजूर हमारे बीच में हैं, हम भी उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो जोरदार ताली कम नहीं होना चाहिए, बजाते रहिए। हमारे अतिथियों का तालियों के द्वारा ही हम अभिनंदन करते हैं और ताली बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ब्रदर लोग हैं, शांत है, हमको लग रहा है। ताली बजाइए भाई, आप लोग भी कल जाके फादर बनना है। अब हम यहाँ रह चुके मांडर ओल्ड हाउस के डायरेक्टर और पूर्व में बढ़म्बे पल्ली के सहायक फादर के रूप में कार्य कर चुके हैं सहदेव फादर नीलम टिरू को हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। ताली बजाते रहिएगा, क्योंकि इन्होंने बढ़म्बे पल्ली में अपना योगदान दिया है और हम लोग को हमेशा सहयोग करते रहे हैं। फादर आपका स्वागत है। मुरहू मिशन
स्टेशन के इंचार्ज और पूर्व में बड़म्बेपल्ली के सहायक पुरोहित के रूप में रह चुके सदे फादर विपिन कुलडुन्ना का हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। ताली बजाते रहें। अब हम क्या बोले, हम तो हमारे बीच में एक फादर हैं जिनको हम वेलकम करते और भगाते परेशान हैं, लेकिन भाग नहीं रहे, आते रहते हैं। तो अब वेलकम करना ही पड़ेगा, अब तो हम लोग विदा करते हैं फिर आ जाते हैं। पिछले हफ्ता विदा किए, ये हफ्ता फिर स्वागत के लिए आ गए। तो हमारे बीच रांची धर्म प्रांत के सहायक डायरेक्टर सह मीडिया कर्मी सदे फादर वाल्टर पीलन किस्पोट्टा, जो हमारे पल्ली में सहायक पुरोहित के रूप में कार्यरत थे और इन्होंने अभी महाधर्म प्रांत में मीडिया प्रभारी के रूप में कार्यभार लिया है। और अब हमारे बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से वीडियोग्राफी के द्वारा हम लोगों को सुंदर सुंदर फोटो खींचे हैं और वीडियो बनाए हैं। तो जोरदार ताली इनके लिए भी। तो पुना फादर आपका फिर से बड़म्बेपल्ली जोरदार ताल के साथ स्वागत करता है। रांची धर्म प्रांत के मीडिया कर्मी सदे फादर असित टोपो जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। एक हमारे बीच में मीडिया कर्मी भाई भी हैं, शुभम विलुंग, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हम लोग। ताली बजते रहे और आप खड़े हो जाएंगे भाई, ताकि लोग देख सके। अब पारी आती है बड़म्बेपल्ली के, हम लोग मेहमान लोग का स्वागत कर चुके हैं ना। ओहो, देखिए वीडियो बना रहे हैं ऐसे ना कि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हम हमारे बीच में आए फादर सुशील को भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और उनको भी सम्मान स्वरूप बुके और असॉल से सम्मानित करेंगे। ताली बजाते रहिएगा। और कहीं छिपे हुए नहीं ना है मेहमान सब? नहीं छिपे हुए। तो हम अपने बड़म्बेपल्ली के पल्ली पुरोहित सदे फादर इर्नेयुस क्रिकेटा जी का भी इस कार्यक्रम में और इस पल्ली के इस पल्ली दिवस में उनका भी स्वागत करेंगे और जोरदार ताली बजा देंगे। बुके कम नहीं है फादर, इसीलिए लेना है। फादर सोचे होंगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो कहीं ये लोग बुके तो दिया कि नहीं, इसलिए बैठे हुए हैं। तो और हमारे बीच में लिवन फाउंडेशन हाउस के डायरेक्टर सदे फादर प्रदीप मिंच का भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि इनका योगदान हमारे पल्ली में हमेशा रहा है और हमारे आने वाले
फ्यूचर के फादर को तैयार कर रहे हैं। आने वाले फादर हमारे बीच में इधर बैठे हुए हैं, उनकी तैयारी हमारे फादर के द्वारा ही होता है क्योंकि ये यहाँ के डायरेक्टर हैं और बच्चों को तैयार करते हैं, तो उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे। आपका स्वागत है फादर। साथ ही साथ लीवन फाउंडेशन हाउस के सहायक डायरेक्टर सदे फादर रोशन टुप्पू का भी हम इस पल्ली में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। खड़े हो जाइए फादर, नहीं देख पा रहे हैं आपको। मेरा नाम का फादर है रोशन, ये टुप्पू हो गए, हम रोशन तिग्गा हो गए, तो जोरदार ताली बजना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने बहनों को नहीं भूलेंगे। हमारे बीच कारमेल धर्म समाज की धर्म बहनें हैं जो हमेशा हमारे पल्ली के हर चीजों में, जो अभी अभी डेकोरेशन आप देख रहे हैं, जो सजावट देख रहे हैं, जो कार्यक्रम को हम लोग सुंदर तरीका से सजा पाए हैं, तो कारमेल धर्म बहनें का योगदान रहा है। तो उनकी सुप्रियर को हम इस स्टेज पे आमंत्रित करते हैं कि सिस्टर सुप्रियर आ जाएंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए क्योंकि धर्म बहनों का योगदान हमेशा बढ़ चढ़ के रहता है, क्योंकि महिलाएं हैं तो महिला शक्ति है, तो जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। साथ ही साथ आराधनालय धर्म समाज की धर्म बहने की सुप्रियर को भी हम तालियों का स्वागत करते हैं। सिस्टर आप भी आ जाएं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, क्योंकि शिक्षा का जो ज्योति है इन लोगों के द्वारा ही जलाया जा रहा है और हमारे पल्ली को बहुत तरह का सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ये अपेक्षाएं करते हैं हम लोग। और हमारे बीच में और मेहमान आए हुए हैं, रांची धर्म प्रांतीय कैथोलिक महिला संघ की सभा नेत्री श्रीमती मार्था टुप्पो जी हमारे बीच में हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और उनका भी स्वागत करेंगे और उनको मंच पे आने के लिए आह्वान करते हैं, मंच पे आ जाएंगे ताकि लोग आपको देख सके जो नहीं देखे हैं। जय यीशु। तो जोरदार तालियों के साथ तो हमारी रांची धर्म प्रांत की कैथोलिक महिला संघ की सभा नेत्री का तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस बढ़म्बे पल्ली के प्रांगण में। और हमारे बीच मांडर भिखारेट की सभा नेत्री श्रीमती एलिस कुजूर भी आई हुई हैं, तो उनका भी मंच पे हम स्वागत स्वरूप उनको स्वागत करते हैं कि वो मंच पे आए, और जोरदार तालियां इनके लिए भी बजनी चाहिए क्योंकि महिला ही हैं जो पल्ली को संभाली हुई है। तो ऐसी महिलाओं से हम और भी अपेक्षा करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमारे पल्ली को और भी आगे ऊंचाई तक पहुंचाएं। एक माता हमारे बीच में और हैं जो मांडर से ही हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं, श्रीमती प्रतिमा एक्का जी, तो वो भी आ जाएंगी। तो मुझे उनका पद पता नहीं है इसलिए मैं नहीं बोला, तो खुद बता देंगे ना। जोरदार ताली बजनी चाहिए। पुनः
पुनः हम जितने भी अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित हैं, सब सबके लिए एक बार जोरदार ताली बड़म्बे पल्ली के वासी की ओर से होना चाहिए। जोरदार ताली बजा देंगे, अभिनंदन कर देंगे। आज इस पावन बेला में सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनकी अगुवाई के बिना, उनकी आशीष के बिना आज जिस कार्यक्रम को हम लोग सोच रहे हैं या कर रहे हैं नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के लिए हम लोग जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करेंगे। चूंकि कितना साल हुआ पल्ली बना हुआ? 3 साल। तो हमारे मेहमान फादर और माताएं हैं और सिस्टरगण हैं हमारे बीच में। तो आज का पल्ली दिवस कैसा लगा फादर? कैसा लगा? अच्छा। तो हम लोग कहीं ना कहीं आगे अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीष के द्वारा ही हम कर पा रहे हैं, और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। आपकी आशीष, आपकी प्रार्थनाएं हमारे इस पल्ली के तमाम परिवार और हर एक सदस्य पे होता रहे फादर। मैं इस पल्ली में हम अपने आप को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी हैं तो पल्ली है। तो हम काथी सभा के तमाम मेंबरों के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। बड़म्बे पल्ली के काशी सभा के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। साथ ही साथ महिला संघ के तमाम महिलाएं माताओं के लिए हम लोग जोरदार ताली बजा देंगे। युवाओं के लिए बजा देंगे, क्योंकि युवाओं के द्वारा ही आज हमारा गीत संचालन बहुत अच्छा लगा ना, तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजा देंगे। अब हम अपने अतिथियों से निवेदन करते हैं कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो उससे पहले दीप प्रज्वलित का जो छोटा सा हम लोग का उजाला का एक प्रतीक है, उसको हम लोग करते हुए फिर आगे प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। सबको जय सु। थोड़ा विलंब हो रहा है, तो इस विलंब के घड़ी में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा अपने पल्ली के बारे में। ये बड़म्बे पल्ली हमारा 3 साल पहले एक यूनिट हुआ करता था, और हम लोग मखमांद्रो पल्ली के परिवार से जुड़े हुए थे, मखमांद्रो पल्ली के सदस्य थे हम लोग। लेकिन एक शुरू से सबों का यहाँ का एक्टिविटी, प्रार्थना के प्रति अगवाई और हर चीज़ में सहयोग को देखते हुए, और यहाँ के हर चीज़ों को देखते हुए, फादर प्रेमचंद जब हमारे बीच में आए तो उनके द्वारा बहुत अगवाई किया गया, हम लोग थे उसमें, और इसमें बहुत तरह का अड़चने आई, दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी इस बीच में फादर ने अपनी समझ
बूझ का परिचय देते हुए और हम लोग को हमेशा सहयोग करते रहें, और जितना भी हो पाया उन्होंने हर चीज़ों को, आज जो देख रहे हैं केला का पेड़, हम लोग केला भी खाते हैं कभी कभी आके, और जो हरा भरा उधर देखते हैं तो फादर प्रेमचंद का देन है। तो सबसे पहले हम तो फादर को ही इस पल्ली का नींव गाड़ने वाले, जो उत्पत्ति करने वाले फादर के तौर पे हम देखते हैं। तो और जब हम 3 साल हो गया तो 3 साल के बाद फादर जब अपने 2 शब्द के दौरान बोलेंगे तो जरूर उनको कुछ ना कुछ अंतर नजर आएगा, क्योंकि हम लोग प्रयास किए हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इस पल्ली को और ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करें, और हम लोग उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम लोग इस पल्ली में तमाम पल्ली के तौर पे नहीं लेकिन एक अलग पल्ली के तौर पे पहचाने जाएं। तो वो हम लोग का प्रयास है और हम लोग लगे हुए हैं। तो हमारे बीच में हम दीप प्रज्वलित के लिए अब बच्चे लोग तैयार हो गए हैं। तो मैं सदैव फादर फिलिप मिंच को, जो हम लोग के मुख्य अनुशासक हैं, तो उनको हम निमंत्रण कर देते हैं कि वो आए और दीप प्रज्वलित में दीप प्रज्वलित करेंगे। हम सभी अपने दिल के गहराई से एक कविता लिखे हैं, तो हमारे कविता इस प्रकार है। हर एक अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, एक दीप जला देना, जो राह तुम्हारी है वह राह दिखा देना। मैं दूर से, दर दूर है, पग कांप रहे डर से, मैं टूट गया फिर भी तू मुझको पनाह देना, एक दीप जला देना। तू ऐसा उजाला दे कि मैं देख सकूं तेरे मन को, जो तेरे साथ रखे जोड़ो उस बंधन को। मैं तुझ पे करूं अपना इस जीवन को पूरा समर्पण, भक्ति और अर्पण जगा देना, एक दीप जला देना। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ दूर ना चल पाऊं, भटकू ना कहीं, अब मैं बस तेरे साथ रहूं। जो पाप किए मैंने वो पाप मिटा देना, वो पाप मिटा देना, एक दीप जला देना। तो हमारे प्रथम पल्ली पुरोहित फादर प्रेमचंद को भी आमंत्रित करते हैं कि वो दीप प्रज्वलित करेंगे उनके लिए। ताली बजना चाहिए। बुलुंडू कैथोलिक स्कूल के डायरेक्टर सदैव फादर नरेश कुजूर को भी हम आमंत्रित करते हैं कि वो दीप प्रज्वलित कर देंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए। मांडर ओल्ड हाउस के डायरेक्टर फादर नीलम टिरू को भी आमंत्रित करते हैं कि वो दीप प्रज्वलित करेंगे। ताली बजती जानी चाहिए। फादर विपिन कल्डुना से भी ताली बजते रहना चाहिए। फादर वाल्टर पीलन किस्पुट्टा जी को भी मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आ जाएंगे। बड़ा पद लेके गए हैं। जोरदार ताली होना चाहिए ना। फादर असित टोपो जी को भी निमंत्रण करते हैं कि वो भी आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे।
जोरदार ताली बनना चाहिए फादर असित टप्पो जी के लिए। रांची धाम प्रांतीय कैथोलिक महिला संघ की सभा नेत्री श्रीमती मार्था टुप्पो जी से भी आवेदन करते हैं कि वो दीप प्रज्वलित कर देंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए। हम संयुक्त रूप से कार्मेल धर्म बहने और आराधना धर्म के सब सुप्रियर को आमंत्रित करता हूं कि वो दीप प्रज्वलित कर देंगे संयुक्त रूप से। जोरदार ताली बजनी चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। वाह। अभी मैं हमारे युवाओं से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे अतिथि गणों को नीचे लेके जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में ध्यान दीजिएगा, पहला वन्ना डांस, दूसरा स्वागत गाना। तैयार रहिएगा आप लोग।
वे अपने ही क्या जो मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं, वे अपने ही क्या जो मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु का प्यार देखो, मुसीबत में बेइंतहा प्यार सिखा जाते हैं। तो इन छोटे बच्चों के सुंदर वंदना डांस के लिए हम एक बार जोर से ताली बजा देंगे। आज हम इन बहुत खुश, बहुत खुश। तो मन हम इनकर स्वागत करे के लिए एकदम बोला थे कखन करवा कखन करवा। तो जो हम इनकर बोला थे कतका हम इनकर स्वागत का कखन आहे, तो एखन ओमन के हम इन स्वागत गाना ले आमंत्रित करा थे। तो जोरदार उनके लिए ताली बजा देंगे उनका स्वागत के लिए। तो जितने भी युवाएं हैं वे सभी स्टेज पर आ जाएंगे स्वागत गान के लिए। Oh,
सकता, बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे कलाकारों के लिए ताली, वो कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता। तो प्लीज जोरदार ताली बजाइए, हमारे युवा संघ के लिए इतना झूम झूम के जो नाचे हमारे।
मुरमा की माता पिता भाई बहनों के सांस्कृतिक डांस के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। आई सभी एक झारखंडी होवे का नाते झारखंड सौंदर्य और झारखंड माय मन के स्टेज पर आमंत्रित करेला तो जोरदार से उन मन का स्वागत करा स्टेज में। और इसके बाद अभी सांस्कृतिक डांस जो भी होने वाला है नीचे होगा। स्टेज वाला प्रोग्राम सिर्फ ऐसे जो बाजा बजेगा, बाकी जो गा करके हम लोग करते हैं नीचे होगा। बच्चे आप लोग पीछे हो जाएंगे और जो घंटी बजती है ना वो 6 मिनट का वार्निंग घंटी है ना। वार्निंग के लिए जो मिलता है फिर लास्ट में दो बार बजेगी, एक तो एकदम वार्निंग के लिए और एक है पुनः खत्म करने के लिए। तो उस घंटे को आप लोग उसके पीछे चलिएगा, ठीक है। कैसे तो ताली बजा था बेसोनी सुनालक, जोर से बजाए देवा। हम इनकर माय मने इतने सुंदर, हम इनकर झारखंड के, हम इनके सुनालक नहीं कि कितने बेस आए हम इनकर झारखंड। हम इन एखन रोपो ने रोप है और रोपा रोपवाए दिले हम इनके है नहीं। हाँ तो इकर बाद में अगला सांस्कृतिक नाच आहे बसकी कर बहिन मने। बसकी कर माए माए और बहिन मने आए जवा सांस्कृतिक नाच ले। तो जोरदार ताली से उन मनकर स्वागत करा और इकर बाद तैयार रह बैं कार्मेलाइट कर सिस्टर मनकर एक्शन डांस। तो एखन आवाज है बस की कर माए और बहन मने। तो जोरदार से ताली बजावा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। Thank you.
रेलगाड़ी बरा लगी। सांस्कृतिक नाच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तो उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ आराधना कॉन्वेंट की सिस्टर और कार्मेलाइट धर्म समाज के सिस्टर को उनके एक्शन सॉन्ग के लिए, तो उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। इसके बाद तुरंत तैयार रहेंगे लिवन फॉर्मेशन हाउस के ब्रदरों के उनके कवाली के लिए। हमारे बारिश का पर्व मना रहे हैं, तो कार्मेलाइट सिस्टर्स और आराधना सिस्टर्स लोग की तरफ से एक एक्शन सॉन्ग है, तो इस एक्शन सॉन्ग में भाग लेने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं, तो कृपया खड़े हो जाइए। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरे प्रार्थना सुनते उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरे प्रार्थना सुनते उत्तर भी देते हमेशा। हेलो 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 जीसस, बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने महान है, आप कितने बलवान है, मेरे प्रार्थना सुनते आशीष भी देते हमेशा। आप कितने महान है, आप कितने बलवान है, मेरे प्रार्थना सुनते आशीष भी देते हमेशा। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो और एक बार सब कोई गाएंगे और नाचेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो 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 जीसस, आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते उत्तर भी देते हमेशा। सिस्टर की
ही मजेदार डांस के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और जोरदार तालियां बजाते हैं। और आप लोगों के लिए भी, जो जो सो रहे थे जाग गए ना, हमने भगवान, हम लोग जीजस से बात भी किए हैं ना, कैसे हैं, नहीं है पूछे कि नहीं। करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, और कार्यक्रम के लिए तालियों का साउंड होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अभी आने वाले हैं लिवर्स फॉर्मेशन के ब्रदर्स, अपने कवाली को लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद तैयार रहिएगा नगड़ा के सांस्कृतिक नाच, नगड़ा के माए बहन मने जितने भी आए हैं से नगड़ा का सांस्कृतिक नाच ले आप सभी तैयार रह पा। तो जोरदार से स्वागत कीजिए हमारे ब्रदर्स के लिए। Thank you.
थे वो बहुत अच्छे से हमारे रिवर्स फॉर्मेशन हाउस के ब्रदर्स ने हम सबको सिखाया है कि दाग दारू करने से क्या क्या होता है। आप लोग ये सब चीजें देख चुके हैं ना, तो क्या दारू दारू करना है, इसलिए हम सबको उनके इस प्यारे संदेश को हमें अपने जीवन पे लागू करना है, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। तो अभी हम नगरा के माता पिताओं भाई बहनों को उनके सांस्कृतिक डांस के लिए उनको स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। उससे पहले उनके लिए दो शब्द है, दो लाइन है। जब शादी में बाजेला ढोल मांदर और जब शादी में बाजेला ढोल मांदर और नगड़ा तो पे से गाँव नगड़ा। We'll be right back.
संत पापा कहते हैं
तपस्या से प्रेम करो। और अभी के जमाने में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कलीसिया से प्रेम करना। कई साल पहले से ही ये कलीसिया का निर्माण हुआ और एक परंपरा या एक तरीका बना है। संत पापा, उसके बाद धर्मप्राण, पारिस, गांव यूनिट, इस तरह से एक व्यवस्था चली आ रही है जो हमको जोड़ करके रखती है। जब आज हम ये पल्ली दिवस मना रहे हैं और मैं संदेश के रूप में आपको ये बता रहा हूं कि हमको कलीसिया से जुड़े रहना है, कलीसिया से प्रेम करना है, तो सवाल उठता है इससे क्या फायदा है, क्या मिलेगा हमें, क्यों मैं कलीसिया से जुड़े रहूंगा। प्रिय भाई और बहनों, माता पिता, अभी दुनिया में हमको भटकाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए, हमें गलत रास्ते में लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सब हमको प्रलोभित करेगी। लेकिन यीशु क्रिस्त जो कलीसिया निर्माण किया है, हमारे लिए दिया है, यही हमको सही दिशा ले सकती है। और इससे तभी हम फायदा ले सकते हैं जब हम इससे जुड़े रहेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई कहता हूँ। और इसी तरह से आप ये पल्ली जो 3 साल अभी हो गया है, इसी तरह से ये फलता फूलता बढ़ता जाए और कलीसिया से जो हम हर एक क्रिश्चियन को जो मिलनी है वो हमको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। ईश्वर आप सबों को भरपूर आशीष और कृपा दे। आप इसी तरह से फलते फूलते और बढ़ते जाए और दूसरों के लिए आदर्श बन सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय जीसस। थैंक यू फादर, आपने इतने अच्छे वचनों से हमें वचन दिए हैं। ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। प्लीज मुस्कुरा कर ताली बजाइए ना, बड़ा अच्छा लगता है। फादर जी, आपके लिए रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है। रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब चर्च में आपसा कोई नया शख्स आता है। तो अभी हमारे ब्रांबे, जहां ब्रांबे बाजार का मिलता है, हाँ पता ही होगा, तो हमारे ब्रांबे बाजार के अभी माता पिता भाई बहन सब हम लोग अभी नाचने आ रहे हैं, तो देखते हैं भूकंप आता है कि नहीं। तो जोरदार तालियों के साथ हम ब्रांबे के माता पिता भाई बहनों को हम स्वागत करते हैं। आइया दी गाना, आइया उनका।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके जोरदार धमाकेदार डांस के लिए उनके जोरदार ताली बजा देंगे। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर एक पोस्ट किया, पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। अभी मैं स्टेज पर लीवंस फॉर्मेशन हाउस के ब्रदरों को उनके डांस के लिए स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, तो उनके स्वागत के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। इनके बाद तैयार रहिएगा बड़गड़ी की माता पिता भाई बहन अपने डांस सांस्कृतिक नाच को लेकर के। Thank you.
बहुत खूब है। ताली भी नहीं बज रहा है, इतना अच्छा सुंदर डांस के लिए। बड़गरी के सुंदर सांस्कृतिक नाच के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, सो रहे हैं, थोड़ा सोचिए, मैं पहले पूछ रही हूँ। ठीक है, एक बेचने वाले ने कहा इसे 100 रुपये में खरीदो और जिंदगी भर बैठ करके खाओ, बताओ वो वस्तु क्या है? हाँ हाँ, चटाई। और एक क्वेश्चन, सोने को पलंग नहीं ना ही महल बनाए, 1 रुपया पैसा नहीं फिर भी राजा कहलाए, बोलो कौन? कौन? जंगल का शेर, जंगल का राजा शेर। अब इसके बाद आ रही हैं हमारे युवा संघ के बहन लोग आ रही हैं अपने आधुनिक डांस को लेकर के, देखते हैं वो लोग कितना धुन उड़ाती है, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। से ये मला गिरे ये कभी से ये
सुरसा के माता पिता के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और धन्यवाद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूचना है, जो वहां भीड़ लगा रहे हैं, बच्चे पहले खाना लेंगे, पहले बच्चे खाना लेंगे, उनके बाद बड़े हम लोग आगे लाइन लगाएंगे। पहले बच्चों को लाइन लगाने दीजिए, और जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पहले जाकर के खाना खा लीजिए आप लोग। युवा है, युवा। हाँ, तो बच्चे लोग, आप लोग जाकर के खाना खा लीजिए। और धार्मिक डांस करने वाले बच्चे यहाँ पे आ जाइएगा स्टेज पर। तो जोरदार तालियां बजा करके उन्हें स्वागत कीजिए। Thank you.
बस्की के युवा भाई बहन के उनके धमाकेदार डांस के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। तो कैसा लगा इनका डांस? अच्छा लगा? आवाज नहीं आ रही, कैसा लगा इनका डांस? और देखने मन कर रहे हैं? शायद पेट में चूहे कूद रहे होंगे, कूद रहे कि दौड़ रहे हैं। तो वो पल आ गया अभी। मैं हमारे पल्ली की महिला संघ की सभा नेत्री श्रीमती रजनी एका को उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। तो जोरदार उनके लिए ताली बजा देंगे। सबों को जय यीशु। कैसा लग रहा है? भूख नहीं लग रही है? हाँ, टाइम तो हो चला है और हम लोग समापन में पहुंच चुके हैं। और दो मिनट इंतजार कीजिए, फिर चूहा मारने का दवा देंगे। तो हमारे मुख्य अतिथियों के लिए एक छोटा शायरी है। यूं आसमान में नजर आते हैं सितारे, यूं आसमान में नजर आते हैं सितारे, सभी अतिथियों के आने से वारे हो गए न्यारे। सभी यहाँ पर पधारे तो हमें ऐसा लगा जैसे लेवी के घर में यीशु ख्रीस्त पधारे। परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि फादर फिलिप मिंज, हमारे सभी अतिथि फादरगण, फादर प्रेमचंद, फादर नरेश, फादर नीलम तिड़ू, फादर विपिन कंडुल्ला और हमारे मीडिया कर्मी फादर असीम टोप्पो, फादर सुशील टोप्पो, मिस्टर सुमन बिलू, हमारे फादर वाल्टर, हमारे फॉर्मेशन हाउस के डायरेक्टर फादर प्रदीप, हमारे सहायक पुरोहित फादर रोशन टोप्पो और हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर एरनियस क्रिकेटा, हमारी कार्मेलाइट धर्म समाज की सभी धर्म बहने, आराधना धर्म समाज की सभी धर्म बहने, लीवेंस फॉर्मेशन हाउस के सभी ब्रदरगण, ब्राम्बे पल्ली के सभी कैथोलिक सभा के सभी सदस्यगण, महिला संघ, युवा संघ, क्रूस वीर और हमारे मेहमान रांची महाधर्म प्रांत की कैथोलिक महिला संघ की सभा नेत्री श्रीमती मार्था टोप्पो, मांडर भिखारेट की सभा नेत्री श्रीमती एलिस कुल्लू, आप सबों का मेरा प्यार भरा जय यीशु एवं खुश पर्व। मैं यहां आप सबों का आभार प्रकट करने के लिए यहां उपस्थित हूं। सारा कार्यक्रम तो हो चला और आभार के दो शब्द ना कहें तो ये पूरा कार्यक्रम में अधूरा सा लगता है। इसलिए हमारा फर्ज है कि आप सबों का आभार प्रकट करूं। तो सबसे पहले मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हम सबों की प्रार्थनाएं सुनी और इतना सुंदर मौसम दिया है और आज हम लोग इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित होकर हमारे पल्ली के पर्व दिवस पर उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि हमारे फादर फिलिप मिंस को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए, हमारे लिए प्रार्थनाएं चढ़ाई, अच्छी अच्छी बातें बताई। मिस्सा पूजा के समय उन्होंने पूरे
उपदेश में संत पेत्रोस के बारे में बतलाया, उनकी जीवनी के बारे में बतलाया। हम सभी संत पेत्रोस से अवगत हुए। हम फादर के लिए धन्यवादी हैं। हम यहाँ उपस्थित जितने भी मेहमान फादरगण हैं, हम उनके भी आभारी हैं जिन्होंने आकर हमारी खुशी में चार चांद लगाई है। आप नहीं होते तो हम सबों को उतनी खुशी नहीं मिलती। लगता है जैसे किसी खुशी में शामिल होने से, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे को बधाई देने से खुशी चार चांद लग जाती है। वही हम सबों को एहसास हुआ आप लोगों को देखकर। हम मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आकर हम सबों को अपने तस्वीरों में समेटा है और हम सबों को ये अच्छा फील कराया है। हम सभी मीडिया कर्मी फादरों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं यहाँ जितने भी कैथोलिक सभा के सभी सदस्य, सभापति और सभी सदस्यगण, महिला संघ के सभी सदस्यगण, सभी यूनिट के सभी सदस्यगण, क्रूसबीर के सभी बच्चे, युवा संघ के सभी सदस्य और फॉर्मेशन हाउस के सभी ब्रदरगण, आप सबों के प्रति भी हम आभारी हैं क्योंकि आप लोगों ने भी हमारा खूब साथ दिया है। कहते हैं किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने में सबका साथ, सबका विकास, ये चरितार्थ हुआ है। तो हम सभी यूनिट के सभी माताओं को, सभी पिताओं को, सभी बेटे बेटियों को और सभी ब्रदरों को धन्यवाद देते हैं। जिन किसी को भी हम लोगों ने काम दिया, सबों ने अपना काम बखूबी निभाया है। हम देख रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे युवक संघ, विशेषकर युवक संघ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया है। गाने बजाने से लेकर खाना पकाने और खिलाने तक का उनका भरपूर सहयोग रहा है। युवक संघ, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे म्यूजिक के भाइयों को भी, म्यूजिक सिस्टम के भाइयों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारे मिसा पूजा बलिदान में भक्तिमय बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनके सुंदर म्यूजिक से हम भक्तिमय पूर्वक प्रार्थनाएं की हैं। हम उनके प्रति भी आभारी हैं। हम सबों को यहाँ जो, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से लेकर, समय काफी हो चला है फिर भी शुरू से लेकर लास्ट तक सभी को धैर्य पूर्वक, धीरज पूर्वक सभी अपना साथ दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। हम उनके प्रति भी आभारी हैं, सभी यहाँ उपस्थित लोगों के प्रति जो अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका साथ रहा है। एक बात, जिन इस कार्यक्रम को जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने में अपना साथ दिया है, उन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये आभार प्रकट का प्रोग्राम बहुत लंबा हो चला है, इसको मैं शॉर्ट करते हुए यहीं पर खत्म करती हूँ। और हम सभी के प्रति एक दूसरे को बधाई देकर, शुभकामनाएं देकर जोरदार एक दूसरे के लिए ताली बजा देंगे सबों के लिए। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य, आभार प्रकट का वक्तव्य खत्म करती हूँ। धन्यवाद। हमारे पल्ली की महिला संघ की सभा नेत्री रजनी दीदी, आपको भी हम धन्यवाद करते हैं। आपने इस पद का भली भांति सदुपयोग किया है। तो अब हम रिजल्ट के समय में आ चुके हैं, रिजल्ट की घड़ी में आ चुके हैं। इतना तो प्रतियोगिता किया हमने।
हमने, लेकिन अब हम लोग अगर नंबर ही ना जाने तो क्या ही मजा। तो हम अभी फादर, आदरणीय फादर निर्मल टीरू जी को आमंत्रित करते हैं रिजल्ट को बतलाने के लिए। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, स्वागत है उनका जो हमारे दिल के खास होते हैं। रिजल्ट बतलाने से पहले एक जोक है, ठीक है, एक जोक है, ठीक है। एक पिताजी अपना बेटा को बोलता है कि इतना खराब रिजल्ट लाए हो तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना खराब रिजल्ट लाए हो तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर बोलता है पिताजी कि बगल घर वाली की लड़की को देखो वो कितना अच्छा नंबर लाई है। तो लड़का क्या बोलता है कि उसी लड़की को तो देखते देखते इतना कम नंबर लाए हो। तो बिना देरी करते हुए, बिना देरी करते हुए, आप लोग रिजल्ट सुनना चाहते हैं, आप लोग रिजल्ट सुनना चाहते हैं, खाना खाने वाले हाथ हिला दीजिए, बहुत अच्छा। तो पांचवें नंबर पर 174 अंक लेकर आए हैं सुरसा। चौथे नंबर पर 228 अंक लाकर दो यूनिट के हैं मुर्मा और बस्की, तालियां। अब नंबर आता है तीसरा, कौन आए होंगे, कौन आए होंगे तीसरा, 250 अंक लेकर तीसरे नंबर पर आए हैं बरगड़ी। अब तो किसी का नंबर आ रहा होगा। 270 अंक लाकर दूसरे स्थान पर आए हैं ब्रांबे नगड़ा, कौन ब्रांबे। तो पहले वालों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है, 275 अंक लेकर जो बजाते हैं नगाड़ा, आ तो नगाड़ा बजाएगा। थैंक यू। जब
वाले यूनिट को बुलाना चाहती हूँ, ब्राह्मे और नगड़ा। तो उनको गिफ्ट देने के लिए मैं फादर नरेश कुजूर को आमंत्रित करती हूँ गिफ्ट देने के लिए। जोरदार ताली बजा देंगे फादर के लिए।